नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां चायल तहसील के विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल काजीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर CBSE बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दौड़ को उत्थान संस्था सचिव डॉक्टर KK तिवारी और प्रधानाचार्य राहुल शुक्ल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्थान के सचिव डॉक्टर KK तिवारी ने कहा कि बच्चे ही राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रख सकते हो, सब मिलजुल कर रहना सीखें। दौड़ का आरंभ होने के पूर्व वरिष्ठ शिक्षक राकेश मालवीय ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। काजल के नेतृत्व में विद्यालय की NCC विंग की छात्राएं ऋतिका त्रिपाठी, खुशी शाहू, शालू यादव आदि और ट्वाइक्वांडो बॉक्सिंग सहित अन्य छात्रों के साथ चाइल्ड लाइन सब सेंटर चाइल्ड की टीम रैली के साथ 13 मील स्थित आवासीय दिव्यांग विद्यालय पहुंचे, जहां बच्चों के साथ संयुक्त रूप से एक सांकेतिक दौड़ आयोजित की गई। आज दिनांक 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की जन्मतिथि पर हम सभी ने यूनिटी डे के तौर पे अपने बच्चों के साथ स्कूल में इस दिवस को सबने मिलकर एक साथ मनाया, और जैसा कि CBSE की गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करते हुए हम सब ने बच्चों के साथ एक यूनिटी रन निकाली, जिसमें बच्चे यहाँ से दौड़ते हुए, हमारी बोर्ड की गाइडलाइंस थी कि इसमें साथ में हमारे साथ में कुछ दिव्यांग बच्चे और विकलांग बच्चे भी हों, तो हमारे काजीपुर में स्कूल के पास ही स्थित कॉलेज तक बच्चों ने रिले रेस एक वो किया, जिसमें तिरंगे के साथ में हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी सचिव उत्थान सचिव डॉक्टर कौशल तिवारी जी ने झंडा दिखा के बच्चों को रवाना किया। इस मुहिम में हमारे साथ में चाइल्ड लाइन से श्री सबर भाई भी हमारे साथ जुड़े, जिनकी टीम ने भी हमारा साथ दिया, उस कॉलेज के लोगों ने भी साथ दिया। साथ ही साथ हमारे पास में 15 UP NCC बटालियन की NCC रेजिमेंट में गर्ल्स विंग चलती है, उन बच्चों ने भी NCC गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक मार्च पार्क में साथ में निकाली, जिसको कि यूनिटी मार्च में वो किया। इसमें साथ साथ हमारे कुछ अभिभावकगण भी जुड़े और रास्ते में लोगों ने भी इसको पूरी पूरी प्रशंसा की इसकी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसका अगली खबर बहराइच।